स्टूडेंट्स हाउ आर यू, वेलकम टू एनवायरमेंट लेक्चर। बेटा आप स्टार्ट करांगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होंदा है, बायो मतलब होंदा लिविंग लाइफ, ते डाइवर्सिटी मतलब होंदा है भिन्नता, जैविक भिन्नता। हुण भिन्नता की है बेटा, इन्ने स्पीशीज आ, इन्ने कह लो ऑर्गेनिजम्स या जीवित प्राणी या धरती ते, कोई भी एक दूसरे नाल रिलेटेड नहीं हैगा, सारे अलग अलग है। जिमें डॉग हो गया, रोज़ प्लांट हो गया, है ना, मैंगो हो गया, ते एनिमल्स जे गल करिए शेर हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, कैट हो गई, चूहा हो गया, ये सारे जड़े आ जैविक भिन्नता दे विच आंदे आ। हुण जे असीं इहदी डेफिनेशन की गल करिए या की हुंदी है बायोडाइवर्सिटी जैविक भिन्नता, तो सब तो पहला यह वर्ड खोजिया सीगा डबल्यू जी रॉसन ने 1986 दे विच। यह जरूर इंपॉर्टेंट आ, वन मार्क च यह पूछ लैंदे आ, तुसीं याद रखना आ। हुण बेटा आ सपोज बायोस्फीयर है, पूरी धरती उहदे विच जिन्ने भी जीवित प्राणी प्रेजेंट आ, आले दुआले इनवायरमेंट मतलब पापूलेशन हो गई, कम्यूनिटी हो गई, सारा कुछ आंदा है बायोस्फीयर च। बायो मतलब हुंदा है थोड़ा ब्रह्मांड। हुण बायोस्फीयर दे विच बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जीवित प्राणी आंदे आ, इहनूं असीं बायोडाइवर्सिटी कहिंदे आ, जेड़ी की। और बायोडाइवर्सिटी देखो नैचुरल डैथ किसी की होंगी है, चलो एक्सीडेंट नाल भी लावा आ गया तां डैथ हो गई, भूकंप आ गया तां डैथ हो गई, पर यह पीढ़ी दर पीढ़ी जेड़ी जनरेशन्स है वो चलिया है। ए नहीं हैगा कि कोई जनरेशन मतलब हाँ ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक लैवल ते पहले ही पेरेंट दे विच अगर कोई प्रॉब्लम आ गई फिर उहदी लाइफ पई आ जनरेशनस अगे नहीं वधियां हैगियां, वो गल वखरी आ। पर पीढ़ी दर पीढ़ी सारे जड़े आ रिप्रोड्यूस करी जा रहे आ, एक दूसरे दे जीवित प्राणी या जनरेशनस जड़ियां पैदा होई जा रही, ये सारे जड़े आ बायोडाइवर्सिटी दे विच आंदे आ। मतलब एक सॉलिड लाइफ सिस्टम जड़ा आ वो सपोर्ट हुंदा आ। हुण तुसीं देखो कि जदों लाइफ एग्जिस्ट कीती सीगी तां पाणी दे विच सब तो पहला जीवित प्राणी जिहड़े छोटे छोटे होए, फिर टेरेस्ट्रियल सिस्टम मिट्टी बनी, उत्ते थोड़े जे वड्डे पौधे जानवर आ गए, फिर होर वड्डे पौधे जानवर आ गए, फिर होर वड्डे आ गए, तां इह सारे जिहड़ी इन्नी पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशनस आईआं या लाइफ एग्जिस्ट हुई आ, इहनूं असीं वैसे तां एवोल्यूशनरी प्रोसैस कह देईदा आ या फिर एक लाइफ प्रोसैस कह देता है। ये सारे बायोडाइवर्सिटी नूं सपोर्ट करते हैं या बायोडाइवर्सिटी इना करके हुई है, लाइफ जड़ी है वो बायोडाइवर्सिटी करके हुई है, असी कुछ भी कह सकते हैं। हुण बायो इनू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, उही आ कि बहुत सारे जो चाहे वह हुण एलगे हो गए, काई फंजाए, उल्ली, प्रोटोजोन्स, छोटे जिदा कीटाणु हो गए और पानी च रहन वाले जानवर हो गए, बैक्टीरिया थोड़े कीटाणु हो गए, वायरस अजकल करोना वायरस आया होया आ, पौधे हो गए, फिशेस हो गई, मैमल्स हले तो अद्धे तो भी घट नाम है ये विच, ये सारे जड़े है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे विच आंदे है जिहड़े कि असीं अगे पढ़ने हैं। ते बायोडाइवर्सिटी कित्थे रहिंदी है बेटा, ईकोसिस्टम च। हुण जिद्दां पानी च रहण वाले एनिमल्स नूं असीं एक्वैटिक ईकोसिस्टम कह देणा आ, एक्वैटिक मतलब पानी, टेरेस्ट्रियल जिहड़े मिट्टी ते रहिंदे ओह टेरेस्ट्रियल ईकोसिस्टम हो गई, टेरेस्ट्रियल मैने मिट्टी, तां इदां जिहड़ी आ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करदी है इन डिफरेंट ईकोसिस्टम्स। फिर जे असीं गल करिए के बायोडाइवर्सिटी का आधार की है, कंसैप्ट की है, या बायोडाइवर्सिटी किन्ने तरह की है, तो सिंपली पहला बायोडाइवर्सिटी तो सी इक्को ही डेफिनेशन याद रखनी है, चाहे आ वाली याद रख लियो कि इट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब जिन्ने भी जीवित प्राणी धरती ते हैगे लाइफ फॉर्म्स है
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਗਰਾਸ ਹੋਪਰ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗਰਾਸ ਹੋਪਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੋਗ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਓ ਡੀ ਜੈਨਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 154 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਕ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਫਰਕ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਉਹ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰਾਈਨ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਇਕੁਐਟਿਕ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ, ਪੌਂਡ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਲਾਈਫ ਫੋਰਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਟਵੀਨ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਐਂਡ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ IUCN, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵਰਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਮਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਗ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਆ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਡੋਬਨ ਮੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਦੈਨ ਕੈਟ ਦੀ ਕਈ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆ, ਬਰਾਊਨ ਕੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈਟ ਕੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਆ, ਵੈਰਾਇਟੀ ਆ। ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਕਰੇਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਕਰੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਾਇਟੀ ਆ, ਫੋਰਮਸ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਂਗੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਵੈਰਾਇਟੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਡੋਗ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਵਾਗੁਆਨ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ
काम कर रहा है। डॉग का अपना काम है ना, कैट का अपना काम आ, बंदियां का अपना काम आ, फिश का अपना काम आ, मतलब अपने अपने फंक्शंस भी परफॉर्म करी जा रहे हैं, कोई किसी नूं एस सच नुकसान नहीं पहुँचाता। हाँ वो फूड चेन की एक ने एक का भोजन बनना है, वह तो नेचर ने ही सिस्टम सैट किया हो, पर वैसे हूँ ए तो नहीं है कि रोज़ कुत्ते मारी छड़ दे आ बिल्लियां नूं, है ना, मारते हैगे आ, पर जिन्नी उन्हां दी लिमिट है, ख़त्म नहीं करते हैगे उन्हां नूं, ते जदों ख़त्म हो जाते हैं तो एंडेंजर्ड स्टी जाती है, उन्होंने असी थोड़ा जिहा बाद च पढ़ना है हॉटस्पॉट्स वगैरह बायोडाइवर्सिटी च, पर फिलहाल इत्थे बायोडाइवर्सिटी दे डेफिनेशन च तुसीं इदां ही याद रखना है इन्ना कहीं। फिर बेटे जे असी गल करिए कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की होंदियां है, टाइप्स बेटा जिहड़ी बायोडाइवर्सिटी दी तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी होंदी है, तीन तरह की मीनस एक डाइवर्सिटी जिहड़ी है वो होंदी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहली जिहड़ी है वह जेनेटिक डाइवर्सिटी है, थोड़ा जिहा लाइट आया है। हुण जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होंदी है बेटा, कि स्पीशीज आ, स्पीशीज दे विच असी जे थोड़ी जी बायो पढ़ी होवे तां जीन्स की गल आती है, साडी जिहड़ी बॉडी आ वह जीन्स और क्रोमोसोम्स की बनी होंदी है। हुण जिहड़े जीन्स आ ओ या क्रोमोसोम्स आ वह हैल्प करदे आ मदर तो करैक्टर्स नूं ट्रांसफर करन लई बच्चियां दे विच, जे क्रोमोसोम्स ना होंदे, जीन्स ना होंदे, डीएनए ना होंदा तां कदें भी लाइफ जिहड़ी आ ਉਹ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਧਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖੀਏ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਸਪੇਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ 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 ਵਧੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਡੈਪਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਬੂਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
फिर बेटा सैकेंड जड़ी हैगी है, वो हैगी है स्पीशीज डाइवर्सिटी। हुन स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज मतलब की हुंदा वैरायटी, किसे एक ऑर्गेनिज्म दी वैरायटी नू स्पीशीज कहंदे आ। द वैरायटी इन नंबर एंड अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज विद द रीजन, मतलब आ सपोज गढ़ शंकर आ, गढ़ शंकर विच आह कैट रहिंदी आ। हुन कैट दी किन्नी ज़्यादा कैट्स आ गढ़ शंकर दे विच, ए तां हो गया अबंडेंस, अबंडेंस मतलब किन्ने नंबर आ। फिर किन्निया स्पीशीज आ कि किन्नी वैरायटी आ उहदी कैट दी, है ना। मान लो 15 तरह दियां थानू कैट्स देखण नू मिल गईयां, चिट्टी हो गई, काली हो गई, ब्राउन हो गई, पैचेस वाली हो गई, पैचेस च भी वाइट ब्लैक पैच हो गए, धब्बे वाली हो गई, वाइट वाइट तब वाइट ब्राउन धब्बे वाली हो गई, ब्राउन ब्लैक वाली हो गई, है ना। इस तरह मान लो 8-10 वैरायटी हो गई हैं कैट दियाँ, तो इनू असी कहने स्पीशीज डाइवर्सिटी। हुण जे स्पीशीज डाइवर्सिटी नू असी डिटरमाइन करना है तो सब तो पहला सानू स्पीशीज रिचनेस देखनी पैनी है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब हुंदा है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर अबंडेंस, कि किन्ने स्पीशीज है। वो मैं थोनू गल की कि कैट दियाँ किन्निया स्पीशीज है, पहला तो यही देखना पैना। फिर किन्ने ज़्यादा नंबर च कैट प्रेजेंट आ, है ना, 50 या 60 आ, ये हो गई वो अबंडेंस हो गई। तो अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्पीशीज, ये थोड़ी हो गई अबंडेंस। हुन स्पीशीज जिहड़ी रिचनेस आ वो क्लाइमेटिक कंडीशनस ते भी डिपेंड करूगी। मैं पहला भी दस्या आ कि जेड़े हुन जिद्दा बर्फीले एरिया च जिहड़े भालू रहिंदे आ वो रेतले या गढ़शंकर च नहीं सरवाइव करने, है ना। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशनस डिसाइड करदे आ कि केड़े स्पीशीज कित्थे ग्रो कर सकदे। हुण तुसीं अमरीका तो लिया के प्लांट इत्थे कैनेडा तो लिया के लगाऊंगे तो जरूरी नहीं कि वह होन इत्थे वाले, हो सकता कैनेडा च ना होन। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशनस ते भी डिपेंड करता है कि किन्नी ज़्यादा स्पीशीज हो सकदियां हैं। जे उन्होंने क्लाइमेट सूट कर गया तो रह सकते नहीं मरोगे, नहीं क्लाइमेट सूट किया तो हो सकता मर जाए, हो सकता एक जनरेशन पैदा करन तो बाद च मर जाए, ज़्यादा जनरेशनस ना पैदा होन। हुण जे कोई भी स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया च कन्फाइंड हो गई, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, तो उन्हों असी कहने एंडेमिक स्पीशीज। बेटा ये याद रखना है एंडेमिक स्पीशीज की हुंदा है, जिद्दां हुण कंगारू आ, कंगारू ऑस्ट्रेलिया च सीमित है, थानू होर किसी कंट्री च नहीं मिलोगे, तो वो हो गई एंडेमिक स्पीशीज। एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रह जाना है कोई भी स्पीशीज, उन्हों कह देंगे एंडेमिक स्पीशीज। फिर जड़ी होर इंपॉर्टेंट आ तीसरी टाइप, वो हैगी ईकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ईकोसिस्टम हुण मैं पहला भी दस्या कि मान लो पानी च कोई स्पीशीज रहिंदे आ, मिट्टी च रहिंदे आ, समुंदर च रहिंदे आ, पहाड़ां ते रहिंदे आ, बर्फीले एरिया च रहिंदे आ, तो ऑर्गेनिज़म जदों तक अपने आप नूं उस ईकोसिस्टम दे अकॉर्डिंग ढालदे नहीं हैगे, उस ईकोसिस्टम नाल अपना समझौता नहीं करदे, हेल्प नहीं लेंदे उस ईकोसिस्टम दी, इंटरैक्ट नहीं करदे एक दूजे नाल, तद तक जनरेशनां जिहड़ियां वो नहीं वधनियां। तो मतलब असी प्योरली डिपेंडेंट हाँ ऑन आर फिजिकल इनवायरमेंट, या फिर असी अपने वातावरण पर कह सकते हैं कि उन्हां असी इंट्रैक्शन तो बिना इन्ना सरवाइव नहीं कर सकते, जनरेशनां नहीं पैदा हो सकदियां। हुण जिहड़े ईकोसिस्टम मैं थानू हुणे दस्या ही है कि वैराइटीज़ ऑफ हैबिटेट्स आ, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गए, बर्फीला एरिया हो गया, उत्थे बायोटिक कम्युनिटीज़ मतलब हुंदा आ कि लिविंग जिहड़ी प्राणियाँ, हुण पौधे भी वैसे लिविंग च ही आ जाते हैं क्योंकि वह फोटोसेंसिस करते हैं, अपना फूड आप प्रिपेयर करते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटीज जीवित प्राणियाँ जिहड़े जिहड़े भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर च, डाइवर्सिटी ईकोसिस्टम च भी थानू पौंड ईकोसिस्टम च भी देखो डाइवर्सिटी मिल जानी है।
हुण मान लो आ पौंड है, वड्डा पौंड आ, इहदे विच तुहानू पौधे भी मिलने आ छोटे वड्डे थोड़े जे, ये तुहानू मछलियाँ छोटियाँ वड्डियाँ मछलियाँ भी मिलनियाँ, डड्डू भी ये कई बार जा सकता आ, डक भी हो सकती आ इहदे विच, है ना, स्वैन डक जिहड़े पानी च मच्छी खाण आउंदे बगले आ सकते आ विच मच्छी लैण लई। फिर क्रोकोडाइल जे असी पा दईए लिया के, या क्रोकोडाइल नैचुरली भी कितों आ सकता आ, स्नेक भी हो सकते आ। तो ये पौंड की डायवर्सिटी हो गई। मिट्टी से तो तुहानू पता ही है टेरेस्ट्रियल सिस्टम ते तो किन्ना कुछ आ, पौधे हो गए जानवर हो गए असी रहने आ, सप हो गए एनाकोंडा हो गया पाइथन हो गया अजगर, है ना। इको सिस्टम जिदा घा दे मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गए, ये सारे जड़े इको सिस्टम डायवर्सिटी दर्शाते हैं। इको सिस्टम डायवर्सिटी जड़ी है हो सकती है ड्यू टू नाइचेस सॉरी ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बेटा डायवर्सिटी क्यों आ इत्थे, क्योंकि देखो हुण हर किसी का अपना अपना फूड आ, है ना, कोई मच्छी खाता आ, फ्रॉग जड़ा आ वह ग्रास ऑपर खाता आ, दैन लायन जड़ा आ वह भालू भेड़िए खाता आ। तो जे किसी का इन्ना फूड हुंदा ही ना, फूड चेन ना हुंदी, या फिर पौद्यां तो नू एनिमल्स खाते आ हर्बीवोर्स, जिदा बकरी हो गई गां हो गई, ये नाल की आ पौद्यां तो एनर्जी जड़ी आ वो कित्थे जांदी आ हर्बीवोर्स च एनिमल्स च, है ना। तो जे ये एनर्जी फ्लो ना हुंदा, या फिर मिट्टी नाल कोई इंट्रैक्शन ना हुंदा, पानी नाल उना जीवित प्राणियों का कोई इंट्रैक्शन ना हुंदा, तो कदे भी डायवर्सिटी नहीं होनी सी। तो आप हर चीज़ मतलब हुण असी कह सकते हैं कि फूड चेन आ, फूड अवेलेबल सीगा तां डायवर्सिटी हुई, है ना, एनर्जी फ्लो हो रही सीगी। जे एनर्जी मान लो पौधे बन अपना फूड बना दे, उना नू कोई ना खांदा, ते पौद्यां तक ही एनर्जी सीमित रह जानी सी, तां भी हो सकदा डायवर्सिटी ना होवे। पौधे हुण ऑक्सीजन दिंदे आ, असी ऑक्सीजन लैके जिंदा रहिंदे आ, मरदे नहीं हैगे, तां भी डायवर्सिटी हुई। जे ये चीज़ा ना हुंदियां तां डायवर्सिटी नहीं होनी सीगी, मतलब वी ऑल आर, इहनू असी बायोटिक इंट्रैक्शन कह दईदा आ। हुण ए जे इको सिस्टम ज डायवर्सिटी जिहड़ी आ उह ज़्यादा स्टेबल या प्रोडक्टिविटी भी इनक्रीज़ करती है, मतलब इन्नी जिहड़ी कह लो वसदियाँ रसदियाँ जिहड़ियां जनरेशनस आ पीढ़ियाँ आ ओहो डायवर्सिटी इकोसिस्टम डायवर्सिटी दे विच ही है, या इकोसिस्टम डायवर्सिटी दे कारण है। एदे नाल तुहाडे आह तीन जिहड़े सॉरी आपां इत्थे ही इह खत्म करदे हां, थ्री टाइप्स ऑफ डायवर्सिटी। फिर आपां कल नूं स्टार्ट करांगे इस तो नैक्सट टॉपिक, हले असी इह कंजरवेशन पढ़ना आ, डायवर्सिटी दा हॉटस्पॉट्स पढ़ने आ, थोड़ा जिहा लंबा चैप्टर आ पर बहुत ईजी आ, तुसीं दो लाइनां च डैफिनेशन लिख देनी आ। ये नहीं मैं कह रही कि जिहड़ा मैं तुहानूं भेजिया तुसीं इत्थों ही याद करना आ, तुसीं अपनी किसी भी बुक चो, चाहे वातावरण की अगर हैगी आ पुरानी कोई बारहवीं की बुक च हैगा आ तुहानूं मिलदा आ दसवीं बारहवीं च, उत्थों भी लर्न कर सकदे आ। पर बेटा लर्न सही करना आ, डैफिनेशन सही करनी आ, एक एक दो इन्हां चो डैफिनेशनस दो लाइना दी याद कर लेनी है, बहुत है, थानू नाम पता होने चाहिए आ। ओके बेटा, गुड बाय, याद कर लेना, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लेना।